शनिवार देर रात गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने दो कार को टक्कर मार दी। बीएमडब्ल्यू कार सागर जिले के देवरी के पूर्व विधायक सुनील जैन ड्राइव कर रहे थे। सुनील जैन की पत्नी निधि जैन सागर से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी रह चुकी हैं। बड़े भाई शैलेंद्र जैन सागर शहर से बीजेपी विधायक हैं। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सुनील जैन बेटी के घर दिल्ली गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बीएमडब्ल्यू ने आगे जा रही वैगन आर कार को पीछे से टक्कर मारी। वैगन आर का ड्राइवर कार से नियंत्रण खो बैठा और उसने आगे जा रही एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इधर बीएमडब्ल्यू ने वैगन आर को टक्कर मारने के बाद एक और किया सेल्टॉस कार में टक्कर मारी। किया सेल्टॉस भी आगे जा रही दूसरी कार से जा भिड़ी। घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि घटना शनिवार रात 11:15 हुई थी। वैगनआर कार के चालक और स्कूटी सवारों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें मामूली खरोच आई और उन्हें तुरंत छुट्टी दे दी गई है। कोतवाली पुलिस स्टेशन में रैश ड्राइविंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुनील जैन गाड़ी चला रहे थे। विवेक बिहार में रहने वाली उनकी बेटी उनके साथ थी। ड्राइवर पीछे की सीट पर बैठा था क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता था। किसी भी घायल ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सुनील जैन की पत्नी निधि जैन सागर निकाय चुनाव में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी थी। उन्हें भाजपा की संगीता तिवारी ने हराया था। निधि जैन वर्तमान में सागर से भाजपा विधायक सनेन जैन की भाभी हैं। कांग्रेस ने रिश्तेदार को ही टिकट देकर खलबली मचा दी थी। सुनील जैन ने 1993 में सागर की देवरी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की थी। वे 1998 तक देवरी के विधायक रहे। सुनील जैन सागर विधायक शैलेंद्र जैन के छोटे भाई हैं। वहीं शैलेंद्र बीजेपी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।